हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे स्मर्फ मूवी, जो कि छोटे छोटे नीले रंग के क्रिएचर्स की कहानी है। तो मूवी के शुरू में हम कुछ स्मर्फ को देखते हैं, जो एक मैजिकल दीवार से होते हुए अपने गांव में आते हैं, जहां उनके जैसे बहुत सारे दूसरे स्मर्फ भी रहते हैं। ये सब अलग अलग प्रोफेशन में बहुत माहिर हैं और आज यहां अपने एक ब्लू मून फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। यही हम एक क्लम्सी नाम के स्मर्फ को देखते हैं, जो अपने रिहर्सल के लिए लेट हो रहा है, लेकिन इधर उधर टकराते हुए किसी तरह वहां तक पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि स्मर्फ ने उसका नाम रिहर्सल लिस्ट में नहीं डाला है, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से कोई भी उसके साथ रिहर्सल नहीं करना चाहता। तो इसी तरह ये सब हंसी खुशी अपनी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन हर स्टोरी की तरह इनकी लाइफ में भी एक खतरनाक विलेन है, जिसका नाम है गार्गामेल, और वो अपनी कैट इजराइल के साथ पास ही बने एक कैसल में रहता है। उसका जादू बहुत कमजोर है और वो इन स्मर्फ्स को पकड़कर उनके ब्लू एसेंस को पाना चाहता है, जिससे वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा। वापस गांव में हम स्मर्फ के लीडर पापा स्मर्फ से मिलते हैं, जो अपने मैजिक पोशन से फ्यूचर देखने की पावर रखता है। इस बार फ्यूचर में उसे एक ड्रैगन छड़ी दिखाई देती है, जिसे क्लम्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसी की वजह से उनके सारे साथी गार्गामेल के हाथ लग जाते हैं। ये देखकर उसे चिंता होने लगती है और तभी उसे मिलने क्लम्सी वहाँ आता है। क्लम्सी कुछ जड़ी बूटी ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे वहाँ कहीं नजर नहीं आती और उन्हें तोड़ने के लिए वो जंगल में जाने का प्लान करता है। पापा स्मर्फ उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि वो जगह गार्गामेल के कैसल के बहुत करीब है, लेकिन क्लम्सी उनकी एक नहीं सुनता और अकेला जंगल की ओर निकल जाता है। वो अभी जड़ी बूटी ले ही रहा था कि तभी वहाँ गार्गामेल आ जाता है और उसकी कैट क्लम्सी के पीछे पड़ जाती है। उनसे बचने के लिए वो अपनी मैजिकल वॉल का यूज करता है और इसी चक्कर में गार्गामेल को भी उनके गाँव की लोकेशन का पता चल जाता है। क्लम्सी भागता हुआ पापा स्मर्फ के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पूरी बात बता पाए, गार्गामेल उनके गांव पर हमला कर देता है। वो लोग बचकर इधर उधर भागने लगते हैं और गार्गामेल पापा स्मर्फ को घेर लेता है, लेकिन वो अपने ट्रैप की मदद से किसी तरह बच निकलता है। बचने के लिए सभी स्मर्फ जंगल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन क्लम्सी गलती से दूसरे रास्ते पर निकल जाता है। स्मर्फिट देखती है कि ये तो फॉरबिडन फॉल्स का रास्ता है और वो पापा स्मर्फ और दूसरे साथियों के साथ उसे बचाने जाते हैं। इधर क्लम्सी भागते हुए एक पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो लोग एंड टाइम पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। अचानक ब्लू मून की वजह से वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और वो उन सभी स्मर्फ को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी उन्हें ढूंढता हुआ गार्गामेल वहाँ आता है और उससे बचने के लिए पापा स्मर्फ सभी को लेकर उस पोर्टल में चला जाता है। पता चलता है कि पोर्टल उन्हें प्रेजेंट डे के न्यूयॉर्क शहर में ले आया है और वो लोग वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी गार्गामेल और उसकी कैट भी उनके पीछे आ जाते हैं और बचने के लिए उन्हें सिटी की तरफ भागना पड़ता है। आगे का सीन पास ही चल रही एक पार्टी का है, जहाँ हम पैट्रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं। पैट्रिक एंजेलो नाम की एक कॉस्मेटिक कंपनी में काम करता है और उसकी बॉस है ओडिल नाम की एक खड़ूस लेडी। ओडिल अपने नए प्रोडक्ट के लिए उसे एक डिजिटल एड बनाने को बोलती है, लेकिन इसके लिए उसके पास बस 2 दिन का वक्त है और ये सुनकर पैट्रिक परेशान हो जाता है। इधर स्मर्फ देखते हैं कि वापस जाने वाला पोर्टल बंद हो चुका है, लेकिन पापा स्मर्फ बताते हैं कि ब्लू मून आज रात उस पोर्टल को दोबारा खोल देगा और तब तक उन्हें छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी अचानक इजराइल उन पर हमला कर देती है और उन्हें पकड़ने के चक्कर में उसके मुंह में स्मर्फिट के कुछ बाल आ जाते हैं। क्लम्सी भी उससे बचता हुआ एक बॉक्स में गिर जाता है, जिसे पैट्रिक उठाकर अपने कैब में रख लेता है। बाकी स्मर्फ भी ये सब देख लेते हैं और पैट्रिक का पीछा करते हुए उसके साथ उस टैक्सी में चले जाते हैं। गार्गामेल उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्मर्फ की बजाय उसके हाथ पैट्रिक की कंपनी का कार्ड लग जाता है। आगे वो लोग पैट्रिक के घर पहुंचते हैं, जहां वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ ग्रेस के साथ रहता है। वो ग्रेस को बताता है कि कैसे वो कंपनी का मार्केटिंग प्रेसिडेंट बन गया है, लेकिन उसके पास कैंपेन बनाने के लिए बस 2 दिन का वक्त है, वरना ओडिल उसे कंपनी से बाहर निकाल देगी। यहीं दूसरी तरफ गार्गामेल स्मर्फ को पकड़ने की तरकीब सोचता है कि तभी इजराइल स्मर्फिट के खाए हुए बालों को बाहर निकाल देती है। बाल देखकर गार्गामेल बहुत खुश होता है, क्योंकि इन बालों से वो ब्लू एसेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और यही पावर स्मर्फ को पकड़ने में उसकी मदद करने वाली है। तभी उसकी नज़र पास ही बने एक पुराने कैसल पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके बेसमेंट में एक छोटी सी लैब बनी हुई है। वो उन बालों से ब्लू एसेंस को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे इस्तेमाल करने के लिए अपनी रिंग में डाल देता है।
इधर क्लम्सी किसी तरह उस बॉक्स से बाहर आता है, लेकिन पैट्रिक का डॉग उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसे बचने के लिए बाथरूम में चला जाता है। बाकी स्मोक भी क्लम्सी को ढूंढते हुए उस बॉक्स तक आते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और दूसरी तरफ ग्रेस भी टॉयलेट में क्लम्सी को देख लेती है। पहले तो वो लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं, लेकिन क्लम्सी ग्रेस से बात करके उसे शांत करता है। पैट्रिक दूसरे स्मर्फ को बाहर भगाने की सोचता है, लेकिन वो सब उसे घेर कर बांध देते हैं और तभी ग्रेस वहाँ आकर बताती है कि ये सब क्रीचर्स एकदम फ्रेंडली हैं। जल्दी ही वो लोग पैट्रिक और ग्रेस से कंफर्टेबल हो जाते हैं और पापा स्मर्फ उन्हें अपने बारे में सारी बात बताता है कि कैसे वो ब्लू मून की रात को ही वापस घर जा सकते हैं। पैट्रिक उन्हें बताता है कि महीने में आने वाले दूसरे फुल मून को ही ब्लू मून कहा जाता है, लेकिन दिखने में वो एकदम नॉर्मल कलर का होता है। तब पापा स्मर्फ कहते हैं कि वो अपने मैजिकल पोशन से उस नॉर्मल मून को ब्लू मून में बदल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे स्टार गेजर की जरूरत पड़ेगी ताकि वो स्टार्स की पोजीशन का सही अंदाजा लगा सके। फिर पापा स्मर्फ सबको ब्लू बेरीज देता है और कहता है कि पहले हमें एक स्टार गेजर को पाना होगा और दूसरा एक स्पेल बुक ढूंढनी होगी ताकि ब्लू मून को इन्वोक किया जा सके। आगे पैट्रिक और ग्रेस अपने काम से बाहर जाने लगते हैं और पैट्रिक स्मर्फ से घर में ही रुकने को बोलता है ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़े, लेकिन स्मर्फ उसकी एक नहीं सुनते और क्लम्सी को घर पर ही छोड़कर पैट्रिक के पीछे उसके ऑफिस तक चले जाते हैं। पैट्रिक उन्हें टैक्सी पर देखकर घबरा जाता है और सबसे छुपाता हुआ उन्हें अपने साथ ऑफिस में ले आता है। वहाँ उसका सामना ओडिल से होता है और वो उसे एक बार फिर फोन करती है कि कल शाम तक उसका कैंपेन तैयार हो जाना चाहिए। ऑफिस में स्मोक पैट्रिक को बहुत परेशान करते हैं और तंग आकर वो ग्रेस को उन्हें यहाँ से ले जाने को बोलता है। इधर पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड की मदद से गार्गामेल उसके ऑफिस तक पहुँच जाता है और वहाँ उसे उसकी बॉस ओडिल मिलती है जो अपनी मॉम पर अपने प्रोडक्ट का टेस्ट कर रही है। गार्गामेल को लगता है कि ये सब शायद कोई स्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो अपने मैजिक से उसकी मॉम को यंग बना देता है। ये देखकर ओडिल के साथ साथ बाकी लोग भी बहुत हैरान होते हैं और ओडिल उससे अपनी ट्रिक को एक्सप्लेन करने को कहती है, लेकिन गार्गामेल उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब ओडिल उसे पैसे और फेम का लालच देती है जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है और ये सुनकर गार्गामेल उसकी बात मान जाता है, लेकिन कहता है कि सबसे पहले मुझे स्मर्फ्स को पकड़ना होगा। यही ग्रेस स्मर्फ्स को वापस घर ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उनकी नज़र मॉल पर लगे एक स्टार गेजर के पोस्टर पर पड़ती है और ग्रेस के मना करने के बावजूद वो सब भागकर उस मॉल में चले जाते हैं और अलग अलग होकर स्टार गेजर को ढूंढने लगते हैं। ग्रेस पैट्रिक को जल्दी से मॉल में आने को कहती है, लेकिन निकलते हुए गार्गामेल पैट्रिक को देख लेता है और पहचान जाता है कि स्मर्फ उसी की कार में बैठकर गए थे। वो भी पैट्रिक का पीछा करते हुए मॉल तक आता है और वहाँ उसे वो स्मर्फ दिखाई देते हैं। वो अपने मैजिक से उन्हें पकड़ने की सोचता है, लेकिन देखता है कि उसका मैजिक पोशन खत्म हो गया है। फिर वो पास ही खड़े आदमी से उसका लीफ फ्लोवर चुराता है और उसकी मदद से कुछ स्मर्फ को पकड़ लेता है, लेकिन एंड टाइम पर पैट्रिक वहाँ आकर स्मर्फ को आजाद करा लेता है और गार्गामेल को चोरी के जुर्म में पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इधर पापा स्मर्फ स्टार और मून की पोजीशन को चेक करने लगता है और उधर स्मर्फिट ग्रेस को बताती है कि वो गांव की अकेली लेडी स्मर्फ है और उसे गार्गामेल ने बाकी स्मर्फ को पकड़ने के लिए बनाया था, लेकिन पापा स्मर्फ ने अपने जादू से उसके मन को बदल दिया और तब से वो बाकी स्मर्फ के साथ मिलजुल कर रहती है। पैट्रिक भी अपनी डिजिटल एड बनाकर ओडिल को सेंड कर देता है, लेकिन क्लम्सी की गलती के कारण उसकी जगह ब्लू मून वाली इमेज चली जाती है और ये एड अगले दिन शहर के सारे होल्डिंग्स पर आने वाली थी। तभी पापा स्मर्फ वहाँ आते हैं और बताते हैं कि आज रात वो घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि मून और स्टार्स अभी तक अपनी पोजीशन पर नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ गार्गामेल मैजिक से एक मौत को अपने वश में कर लेता है और अगले दिन वो अपने झुंड के साथ उसे जेल से बाहर निकाल लेती है। उधर स्मर्फ मिलकर ग्रेस और पैट्रिक के घर को सजाने लगते हैं और तभी पापा स्मर्फ उन्हें बताता है कि आज रात हम सब घर जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मैजिक स्पेल बुक की जरूरत है। पैट्रिक उन्हें पास ही बनी एक एंटिक शॉप के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ वो बुक जरूर मिल जाएगी। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर एक एड स्क्रीन पर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ उसकी एड की बजाय ब्लू मून वाली एड है। स्मर्फ समझ जाते हैं कि ये क्लम्सी का किया धरा है और पैट्रिक गुस्से में इसे ठीक करने निकल जाता है, लेकिन जल्दी ही ये एड पूरी सिटी में फैल जाती है और ओडिल तुरंत उसे इस गलती को फिक्स करने को कहती है।
स्मफ एंटिक शॉप में उस स्पेल बुक को ढूंढने जाते हैं और गार्गामेल भी अपने बचे हुए एसेंस को लेकर उन्हें पकड़ने निकल जाता है। रास्ते में एक होमलेस आदमी से उसे स्मफ के बारे में पता चलता है और वो उनके पीछे पीछे बुक शॉप में आ जाता है। वहाँ उसे एक एंटिक ड्रैगन छड़ी दिखाई देती है और वो अपना सारा मैजिक उसमें ट्रांसफर कर लेता है। पापा स्मफ को भी फाइनली वो स्पेल मिल जाता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि गार्गामेल उन तक पहुंच गया है। पापा स्मफ सबको वहाँ से भागने को बोलता है और इस चक्कर में खुद गार्गामेल के हाथों फंस जाता है। फिर गार्गामेल पापा स्मफ के कुछ बाल निकालता है और उससे अपनी ड्रैगन छड़ी में और एसेंस डाल लेता है। तभी पापा स्मफ को वहाँ वो पिंजरे नजर आते हैं और उसे लगता है कि शायद उसका सपना सच होने वाला है। इधर पैट्रिक भी समझ जाता है कि शायद उसे गुस्से में रिएक्ट नहीं करना चाहिए था और वो ओडिल से ब्लू मून को ही अपना फाइनल कैंपेन एक्सेप्ट करने को कहता है। लेकिन ओडिल कहती है कि अगर ये आइडिया फेल हो गया तो तुम्हें फायर होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी बचे हुए स्मफ्स वहाँ आकर उन्हें गार्गामेल के बारे में बताते हैं और वो सब मिलकर पापा स्मफ को बचाने का प्लान करते हैं। वो लोग छुपते हुए किसी तरह गार्गामेल के कैसल तक आते हैं और उधर ब्रेनी नाम का स्मफ स्पेल बुक से ब्लू मून को समन करने लगता है। जल्दी ही उसके पोशन से मून पूरी तरह ब्लू हो जाता है और ओडिल को भी लगता है कि पैट्रिक का कैंपेन कामयाब हो गया है। गार्गामेल पापा स्मफ को कैद करके बाहर आता है और देखता है कि स्मफ ने पोर्टल से अपने पूरे गांव को यहां बुला लिया है। वो सब मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और वहां स्मर्फिट इजराइल को हराकर पापा स्मफ को बचा लेती है। गार्गामेल अपनी पावर से एक तूफान क्रिएट करता है और इधर उधर भागते हुए स्मफ को पकड़ने लगता है। तभी एक स्मफ उड़ता हुआ उसकी छड़ी को छीन लेता है, लेकिन वो उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिरने लगती है। क्लम्सी उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है और सबको लगता है कि शायद इस बार भी वो सब कुछ बिगाड़ने वाला है। लेकिन क्लम्सी इस बार अपने काम में कोई गलती नहीं करता और छड़ी के हाथ में आते ही गार्गामेल को उसकी पावर से दूर उछाल देता है। गार्गामेल को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी एक बस उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। सभी लोग क्लम्सी की बहुत तारीफ करते हैं और पापा स्मफ उस छड़ी को तोड़कर नीचे पानी में फेंक देते हैं। फाइनली हम सभी स्मफ को उस पोर्टल में वापस जाते हुए देखते हैं और पापा स्मफ पैट्रिक और ग्रेस से दोबारा मिलने का प्रॉमिस करता है। ओटली भी पैट्रिक के काम की बहुत तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन तुम्हारा वेट कर रहा है। एंड सीन में हम देखते हैं कि स्मफ ने अपने गांव को बिल्कुल न्यूयॉर्क जैसा बना लिया है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।